स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पुछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारे का। सो सारे स्टूडेंट्स वास्ते अज का शो है जिहड़े यूके जाना चाहते ने, इंटरव्यू नू अवॉयड करना चाहते ने। सो गल करांगे कि विदाउट इंटरव्यू यूके दियां किन्नियां क ऑप्शनज ने, कदों तक अवेलेबल ने, तो किन्नियां क जेन्युइन होंदियां ने इह जिहियां ऑप्शनज। जे विदाउट इंटरव्यू वाली यूनिवर्सिटी च तुसीं एडमिशन लैंदे हो तो की उहदा कोई ड्रॉबैक भी हुंदा, कि फीस तो नहीं ज़्यादा होंगी, ये सारिया गल्लां शेयर करांगे। किसी खास प्रोविंस तो नहीं स्टक हो जाते, ये सारिया गल्लां तुहाडे नाल शेयर करांगे। अज साडे गैसट ने वीज़ा ऑफिक दे डायरैक्टर गगनदीप सिंह जी, स्वागत है जी। सत श्री अकाल सर। सो गगन जी, तुसीं डेली स्टूडेंट्स नाल डील करते हो, यूके वाले स्टूडेंट्स चों किन्ने क परसेंट तुहानूं कहिंदे आ कि बिना इंटरव्यू तो भेज दो? सर, अगर इंटरव्यू की गल करिए यूके की, खास तौर से हर बच्चा इहो कहिंदा है कि मैं इंटरव्यू ना दवां, मैं बिना इंटरव्यू तो ही एडमिशन लैके अपनी क्लास लैके अगे प्रोसीड करा। सो पहली गल तो देखो, इंटरव्यू का तो झाका रखना ही नहीं चाहिए बच्चे नू। जे अगर बच्चे तो कोल मार्क्स है ने, पढ़ाई रीसेंटली पास करके निकलिया, वो कोल तो फुल ऑन नॉलेज हैगी है क्योंकि वो रीसेंटली पास आउट है। जे अगर किसी ने ग्रेजुएशन भी की है और वो स्टडी में गैप हैगा 4 to 5 साल का, तो घबराने की लोड़ तो उन्होंने भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बच्चा पढ़ाई लिखे हैगा। बट हाँ, अज आप गल करते पे हैं विदाउट इंटरव्यू की। सो देयर आर यूनिवर्सिटी जी कहते पे ने कि आप जनवरी इनटेक के वास्ते विदाउट इंटरव्यू बच्चे एडमिशन लैके कास रिलीज कर सकते हैं, जिदे फंड्स भी देने की लोड़ नहीं। कास लैन तो बाद तुसी अपने फाइनैंशियल दिखा सकते हो, अपनी फाइल प्रोसीड कर सकते हो। बट वो जिदा पहले भी आप गल कही है कि अपॉर्चुनिटीज़ बनानिया पैंदियां, क्रिएट करनी पैंदियां, ग्रैब करनी पैंदी है। जे अगर अपॉर्चुनिटीज़ ही अगर तुहाडे तो ए वाली मिस हो जाती है, फिर तुसी फिर भी उसी प्लेटफॉर्म ते दोबारा आ जाओगे बैक टू जीरो। सो हजे हैगी अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल हैगी है जी। अगर कोई भी बच्चा जनवरी इनटेक जाना चाहता है विदाउट इंटरव्यू, साढ़े कोल यूनिवर्सिटी हैगी है जिदे विच आपां उन्हां दा एडमिशन करा सकते हैं। बट उस यूनिवर्सिटी ने भी अपनी डेडलाइन देती है जिहड़ी कि 30 अगस्त है, तो मैं शोर्टी नहीं लवांगा कि जिहड़ा भी बच्चा 20 अगस्त तो बाद अपनी फाइल प्रोसीड कराउंदा है साढ़े तों, तो आपां उन्हूं जनवरी इनटेक ही दवा दिए विदाउट इंटरव्यू वाली यूनिवर्सिटी विच। अगर तुसी विदाउट इंटरव्यू जाना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी फाइल जिहड़ी है 15 अगस्त तो पहला पहला लवा लो। मैं तुहानूं गरंटी देना उस चीज़ की कि तुहाडा विदाउट इंटरव्यू मैं यूनिवर्सिटी विच एडमिशन दवा के तुहाडा जनवरी इनटेक विच वीज़ा लै सकने आपां। सो गगन जी, विदाउट इंटरव्यू कोई नुकसान तो नहीं हुंदा? ड्रॉबैक लाइक फीस ज़्यादा होवे या कोर्स इन्ने वधिया ना होण, इदां दा कुछ? सर, ड्रॉबैक कुछ नहीं हैगा। मेजर जिहड़ा यूके काम करता और इंग्लिश की परसेंटेज के उत्ते काम करता, 12th विच उहदे कोल परसेंटेज होनी चाहिए बच्चे को। स्टेट बोर्ड का अगर बच्चा पास आउट है 70 to 75% मार्क्स होने चाहिए टू गैट द एडमिशन, तो ही उन्होंने आइल्स का वेवर मिलना। विदाउट इंटरव्यू आइल्स का वेवर भी मिल रहा है, इंग्लिश उहदे साउंड्स मार्क्स हैगे ने, ता ही यूनिवर्सिटी कहती पी है कि मैं इंटरव्यू नहीं लेना। जो उन्होंने कास रिलीज़ करनी वो तो यह चीज़ लिखी हुई आनी है कि बच्चे की जोड़े इंग्लिश एप्रोप्रिएट मार्क्स है टू गैट द एडमिशन इन द पर्टिकुलर कोर्स। सो इस करके सानू नहीं लगता आप इस बच्चे का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सेम चीज़ जी है जो फाइल अंबैसी लगती है तो अंबैसी जी है वीज़ा ऑफिसर वो भी इस चीज़ में रिव्यू करता है कि बच्चा कि यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसकी रैंकिंग की है, किहड़े कोर्स में जा रहा है। जिहड़े कोर्स विच बच्चा जा रहा और रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी दे विच जा रहा है, तो एम्बेसी भी उत्थे थोड़ी जी लीनियंट हो जाती है, तो उहदा भी इंटरव्यू नहीं लैंदी। सो यह सारी चीज़ां मैटर करदी हैं। एम्बेसी दी जिहड़ी इंटरव्यू किन्ने क परसेंट आ रही है अजकल? सर, अगर अज की गल करिए एम्बेसी इंटरव्यू अगर देखने नूं अगर जिहड़ी मिलती पई है वो 2 to 4% चलती पई, कोई ज़्यादा नहीं चलती पई। और एम्बेसी इंटरव्यू कोई ज़्यादा औखी नहीं हैगी, सेम क्वेश्चन होंदे ने जिहड़े यूनिवर्सिटीज ने पुछे होंदे ने, उही चीज़ एम्बेसी दोबारा पूछना है कि हाँ जी जी चीज़ यूनिवर्सिटी का क्लीयर करके बच्चा इंटरव्यू आ रहा साढ़े कोल कुछ नॉलेज तो रखता ही है, ता ही यूनिवर्सिटी ने उन्होंने क्लीयरेंस दिती है। हुण उसी चीज़ को क्रॉस चैक कर दी एम्बेसी कि हाँ जी ए वाले क्वेश्चन के आंसर जोड़े उन्हें दिते यूनिवर्सिटी ने, ता ही यूनिवर्सिटी ने कास रिलीज़ करती है, तो बच्चे का वो कॉन्फिडेंस लैवल चैक करते हैं, होर कुछ नहीं करते। 4-5 गिने-चुने क्वेश्चन होंगे ने एम्बेसी वालों जोड़े बच्चे आंसर देने पड़ते, तो इंटरव्यू की साड़ी वालों सारी तैयारी होनी है। वह वक्रा डिपार्टमेंट है, टीम हैगी जिन्होंने पूरी पेन लैके बच्चे तैयार करना। सो इंटरव्यू तो घबराने की लड़ नहीं हैगी किसी भी, उस चीज़ को लैके परेशान होने की कोई लड़ नहीं हैगी। सौखा आंदा इंटरव्यू, कोई औखी चीज़ नहीं। सो स्टूडेंट्स, जिमें गगन जी ने दसिया इंटरव्यू सौखी है, विदाउट विदाउट यूनिवर्सिटी द इंटरव्यू भी तुसी जा सकते हो। एम्बेसी द इंटरव्यू दे चांसिस बहुत घट ने, बिलो 5% ने। सो ये सारिया ओपरचुनिटीज़ का तुसी फायदा लै सकते हो। पर इस तो पहला
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ UK ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।